आपका हमारे चैनल पे स्वागत है और हम आपको बताने चाह रहे हैं कि 26 अक्टूबर को शनि अपना घर परिवर्तन कर चुके हैं, तो फिर वृश्चिक राशि किस तरह से प्रभावित होंगे, वृश्चिक राशि का समय कैसा रहेगा, क्योंकि शनि धनु राशि में 26 अक्टूबर को प्रवेश करने के बाद ये रहेंगे वहां पे 2020 जनवरी तक। शनि महाराज के घर परिवर्तन को ग्रह मंडल का सबसे बड़ा घटना माना जाता है। ज्योतिष में वैसे तो 9 ग्रहों का अपना अलग अलग महत्व है, प्रत्येक ग्रह हमारे जीवन के कुछ विशेष पक्षों को नियंत्रित करता है, परंतु ज्योतिष में जिस ग्रह का सबसे अधिक प्रभाव हमारे ऊपर होता है और सबसे जो महत्व होता है वो ग्रह है शनि। प्रत्येक ग्रह का एक राशि में गोचर या संचार करने की एक निश्चित अवधि होती है। जैसे सूर्य एक राशि में एक माह तक रहता है, मंगल 1.5 माह तक रहता है, बृहस्पति 1 वर्ष तक एक राशि में रहता है, परंतु शनि सबसे अधिक समय तक एक राशि में रहने वाला ग्रह है। शनि एक राशि में लगभग 2.5 वर्ष तक गोचर करता है और एक राशि में 2.5 वर्ष पूरे होने पर अगली राशि में प्रवेश करता है। तो इस प्रकार 12 राशियों का जो पूरा साइकिल है उस साइकिल को पूरा करने में लगभग 30 वर्ष लग जाते हैं। शनि का धनु राशि में गोचर शुभ और सकारात्मक परिवर्तन करने वाला होगा। धनु राशि परम शुभ ग्रह बृहस्पति की राशि है और ज्योतिष में शनि के धनु राशि में गोचर को शुभ फल देने वाला माना गया है। तो हम बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए जो समय है ये 1.25 साल का, ये मध्यम है, चल रहा है। मानसिक तनाव आपका कम होगा तो आपके लिए तो अच्छा ही है, मानसिक तनाव चल कम होगा, अत्यधिक बाधाओं में कमी आएगी। जो बहुत सारे जो ट्रबल्स आ रहे थे, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आ रहे थे, तो वो जो ऑब्स्टेकल्स हैं, जो बाधाएं हैं, वो धीरे 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 कम होगा। पर एक बात ये है कि आप जब भी कुछ काम करेंगे तो काम तभी पूरा होगा जब आप उसमें मेहनत ज़्यादा करेंगे, तो देखा जाए तो वो काम एक संघर्ष के बाद पूरा होगा। हम आपको उपाय थोड़ा सा बता देते हैं, आप उपाय कर लीजिएगा तो आपके काम थोड़े आसानी से हो जाएंगे। और वो उपाय है जाप करना एक माला, ओम शनि शनिश्चराय नमः, या फिर ओम शम शनिश्चराय नमः, पहला। दूसरा है हनुमान चालीसा का पाठ आप रोज कीजिए, और तीसरा है शनिवार को पीपल पर सरसों के तेल का आप दिया जलाइए, और चौथा है गरीब व्यक्ति को आप कम्बल का दान दीजिए। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।